अनलॉक दो में छूट छाट मिलने के साथ वडोदरा शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ते हुए आज भी 68 नए पॉजिटिव केस बाहर आए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 2853 पर पहुंचा है। अनलॉक दो में जहां राज्य सरकार द्वारा धंधा व्यापार को छूट दी गई है, तो वहीं कोरोना वायरस का संक्रमण भी मानो छूट मिली हो वैसे तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं लोगों में भी अब कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के भागरूप जागरूकता का अभाव आते हुए पॉजिटिव केस में बढ़ावा हो रहा है। कॉरपोरेशन द्वारा वहीं आरोग्य लक्षी कामगिरी के भागरूप आरोग्य रथ भी घुमाए जा रहे हैं, बावजूद हर रोज पॉजिटिव केस में बढ़ावा हो रहा है, जहां आज भी 68 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर वडोदरा शहर के लिए कोरोना से संक्रमित वैसे दर्दियों की तादाद 2853 पर पहुंची है। बीते 24 घंटों के दौरान 461 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, तो वहीं मृत्यु आंक 57 पर स्थिर रहा है। आज 13 जितने लोगों को डिस्चार्ज करते हुए कोरोना मुक्त बनाया गया। कुल मिलाकर वडोदरा शहर से 2032 जितने लोगों को संपूर्ण कोरोना मुक्त किया गया है। आज नए बने पॉजिटिव विस्तारों में से आजवा रोड, वाड़ी, फतेहपुरा, तरसाली, वाघोड़िया रोड, रावपुरा, आरवी देसाई रोड, तांदलजा, हरणी रोड, दंतेश्वर, वारसिया, वासना रोड, पोलो ग्राउंड, मच्छीपीठ, वीआईपी रोड, राजमहल रोड, समासावली रोड, अकोटा, इलोरा पार्क, यानी कि वडोदरा का अधिकतम विस्तार वडोदरा से कोरोना संक्रमित हो चुका है। तो वहीं वडोदरा के ग्राम्य डभोई, दशरथ, सेवासी, वैमाली, पादरा, रणु, गवासद तथा राजकोट से भी कोरोना पॉजिटिव केस वडोदरा शहर में दर्ज होने का पता चला है।